केरला परिवर्तनम स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो केरल सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की विकास संभावनाएं प्रदान करके और आर्थिक रूप से मजबूत मछली पकड़ने की तकनीकी सुनिश्चित करके तटीय और आंतरिक मत्स्य पालन में काम करने वालों को प्रोत्साहन करना है। केरला परिवर्तनम स्कीम बेनिफिट्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला है, केरल सरकार ने केरल परिवर्तनम योजना के नाम से एक नई परियोजना शुरू की है। यह योजना तटीय और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में लोगों को अनेक आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की मदद करती है। जो मछली पालन वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मदद करती है। दूसरा है, यह योजना मछली पकड़ने के उन तरीकों को प्रोत्साहित करेगी जो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और पूरे साल लोगों को मछली और मछली उत्पाद प्राप्त करना आसान बना देगी। तीसरा है, इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को नौकरी पाने और अपना करियर बनाने का मौका दिया जाएगा। चौथा है, यह योजना शिक्षण कौशल प्रदान करेगी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देगी। केरल परिवर्तनम स्कीम एलिजिबिलिटी, इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी है। पहला है, ए रेसिडेंस ऑफ केरला इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन। तो आपको रेसिडेंशियल केरला के रहने वाले तो उसका एप्लीकेशन रखना होगा। दूसरा है, कैंडिडेट्स हैव टू कम फ्रॉम द कोस्टल एंड फिशिंग इंडस्ट्री। तो जो कैंडिडेट है वो कोस्टल एरिया और फिशिंग इंडस्ट्री एरिया से होना चाहिए। तीसरा है, द कैंडिडेट हैज़ टू बी इन देयर लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड ऑन द प्रोफेशनल ट्रैक। तो वो लास्ट कॉलेज के लास्ट ईयर में होना चाहिए और प्रोफेशनल ट्रैक में। केरला परिवर्तनम स्कीम डॉक्यूमेंट्स, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा, parivarthanam.org। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट इंक्लूडिंग ड्रॉप आउट्स, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीलर मीमी फीस टीम लीडर के लिए कर सकते हैं। टीचर या इंस्टीट्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए, फीस प्रोड्यूसर्स के लिए। तो मान लीजिए हम मिमी फीस वाले टीम लीडर में क्लिक कर देते हैं, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद आपको नीचे की तरफ आइएगा तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला हुआ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपना नाम यहाँ पर भरना है। यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल अपने यहाँ भर दीजिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। फिर नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हो। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, पंचायत या म्यूनसिपलिटी या कॉरपोरेशन यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर वार्ड या डिवीज़न नंबर आपको यहाँ भरना होगा और आपको अपना पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पे भर लेना है जैसा आपका आधार कार्ड में। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ, तो आपका एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 KB तक का होना चाहिए। 30 KB से ऊपर होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर टर्म एंड कंडीशन में आपको टिक कर देना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।